नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं मिताली जोशी हेल्थ भी वेल्थ भी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। सभी के लिए का मेरा मतलब कि अगर मान लीजिए कि आप ऑलरेडी वेस्टेज में जुड़ चुके हो और आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोस्पेक्ट को शेयर करिए जिन्होंने अभी तक वेस्टेज में ज्वाइन नहीं किया है। और मान लीजिए कि अभी आपने वेस्टेज ज्वाइन नहीं किया है और ये वीडियो देख रहे हो, तो जिन्होंने भी आपको ये वीडियो शेयर किया है, पूरा प्रेजेंटेशन देखने के बाद तुरंत उनका संपर्क करिए। देखिए, इसमें मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशंस रखे बिना, हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लोगों ने वेस्टेज का बिजनेस प्लान बना के रखा है कि ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा, बट इनिशियल स्टेज में अगर एक आदमी को अगर वेस्टेज ज्वाइन करना भी है तो मेन बेनिफिट्स क्या है वेस्टेज के साथ जुड़ने के लिए, एटलीस्ट वो उनको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्त, वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ 6 यूनिक पॉइंट्स के बारे में हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपको वेस्टेज क्यों ज्वाइन करना है और वेस्टेज से शॉपिंग क्यों करनी है। तो एक ट्रेडिशनल मार्केट से जो शॉपिंग करते हो, अगर वो शॉप चेंज करके अगर आप वेस्टेज से शॉपिंग करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो जाएंगे। तो अगर मुद्दा बड़ा बड़ा अगर बात कर लूँ तो सबसे पहला प्रॉफिट तो देखिए दोस्तों, आपको हो जाएगा रिटेल प्रॉफिट 10-20% के बीच में हो जाएगा। आज तक आपने जहाँ से भी सामान लिया है वो MRP पे लिया है, लेकिन देखिए जैसे आप वेस्टेज से सामान लेना शुरू कर दोगे तो आपको 10% से 20% एक डिस्काउंट हो जाएगा। मतलब कि मान लीजिए कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो प्रोडक्ट 250 रुपये में मिला है उसके ऊपर MRP 300 रुपये होगी। ये प्रोडक्ट वाइज वेरी रहता है, बट अगर एवरेज की बात करें तो मिनिमम 10% और मैक्सिमम 20% रहता है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट दोस्तों, आज तक अभी आपने जहाँ से भी सामान लिया है कभी कुछ सामान उसके ऊपर फ्री नहीं मिला है। यहाँ पर वेस्टेज से जब भी आप रीपर्चेस करते हो, मतलब एक बार खरीदी हो चुकी हो और फिर पूरी लाइफ आप कभी भी सामान परचेस करोगे तो आपको, जैसे आप स्लाइड में देख रहे हो, एवरी मंथ हमारे 2 तारीख से 17 तारीख के बीच में ये रीपर्चेस की ऑफर रहती है। मतलब अगर बेनिफिट्स की बात करें तो 10% के जो भी आपने प्रोडक्ट लिए उसके 10% के प्रोडक्ट्स आपको फ्री मिल जाएंगे। बात अगर तीसरी बात करें तो यहाँ पर होता है कंसिस्टेंसी बेनिफिट्स। मतलब कि आज तक आपने डीमार्ट बिग बाज़ार हर महीने जाके सामान लेते हो, बट एक ही दुकान से एक ही मॉल से सामान लेने के बावजूद आपको एक लॉयल्टी ऑफर नहीं मिल रही थी, यहाँ पर आपको एक लॉयल्टी ऑफर मिलेगी। यहाँ पर 2 तरीके की लॉयल्टी ऑफर होती है। मान लीजिए कि आपने 100 PV का सामान हर महीने 12 तारीख के पहले लगातार 4 महीने तक लिया तो 2500 रुपये के सामान 5वें महीने बिल्कुल भी फ्री आपकी चॉइस के दिए जाएंगे। और वहीं पर मान लीजिए आपके 2500 के जगह पे आपने 60 PV का, मतलब तकरीबन मान लीजिए कि 1800 रुपये का सामान आपने लिया 4 महीने तक, तो कंपनी की चॉइस के 1250 के प्रोडक्ट आपको 5वें महीने फ्री मिल जाएगा। देखो ये पॉइंट क्या होता है, PV मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 30 रुपीज की परचेस करने पर आपको एक पॉइंट मिलता है। मतलब 100 पॉइंट का सामान, मतलब कि 3000 का सामान लेने पे आपको 2500 का सामान फ्री मिल जाएगा और तकरीबन 1800 का सामान लेने पे आपको 1250 का सामान मिलेगा। अगर बात परसेंटेज में करें तो एवरेज अगर निकालो तो 20% का ये बेनिफिट हो जाता है। चौथा बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपने सामान लिया है कोई भी मॉल या शॉप से, कभी भी आपको कोई कैशबैक मिला है? नहीं मिला है। बट यहाँ पर आपको आपने पूरे महीने में जो भी खरीदारी की है उसका 5% वेरी स्टार्ट से लेकर 11% तक कैशबैक वेरी नेक्स्ट मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और ये जो बोनस होता है वो पॉइंट के आधार पर रहता है। पॉइंट मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया, जब तक आपकी खरीदी 599 पॉइंट तक की होती है तब 5% मिलता है, और जैसे जैसे आपकी खरीदी बढ़ती जाती है तो वो कैशबैक 5% से बढ़ते बढ़ते 11% आता है और आपके पिछले पॉइंट नेक्स्ट खरीदारी में जुड़ते जाते हैं। मतलब वापस से आपको जीरो से कभी स्टार्ट नहीं करना है, समझ रहे हो? तो मान लीजिए कि ये महीने 200 पॉइंट किया, फिर वापस 200 पॉइंट किया, जब आप तीसरे महीने 200 पॉइंट करोगे दैट मीन्स 599 पॉइंट क्रॉस कर दिया, तो वो तीसरे महीने वाले जो 200 पॉइंट आपने किए हैं उसका 5% की जगह पे 8% आपको कैशबैक आएगा। ठीक इसी तरह से आपका जैसे जैसे खरीदी बढ़ते जाएगा आपका 11% हो जाएगा। पांचवा बेनिफिट क्या होता है, देखिए यहाँ पर हर महीने 2 तारीख से 7 तारीख के बीच में लकी ड्रॉ भी होता है, तो ये एक अलग से बोनस हो गया आपके लिए। अगर आपने 2 तारीख से 7 तारीख के बीच में
खरीदारी कर ली है, जो कंपनी ने एक अमाउंट डिसाइड किया रहता है वो अमाउंट का, फिलहाल ये महीने में 2200 का डिसाइड किया गया है, तो ऊपर जो सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो तो मिल ही रहे हैं आपको, उसके अलावा एक लकी ड्रॉ विजेता बनने का भी आपको चांस मिलता है। देखिए ये महीने लैपटॉप रखा गया है, मतलब तकरीबन 15 लोगों को ये लैपटॉप एज अ लकी ड्रॉ मिल सकता है, और इसका ड्रॉ फेसबुक पे लाइव होता है और उसका रिजल्ट वेबसाइट पे 10 तारीख को डिक्लेयर हो जाता है। और मेन लास्ट पॉइंट, ये सबसे यूनिक पॉइंट है, मान लीजिए दोस्तों आपने आज तक कहीं से भी सामान लाया लेकिन सामान पसंद नहीं आया, और आपने खोला हुआ सामान अगर आप दुकानदार को वापस देने जाओगे तो वो लेगा क्या? नहीं देगा, वो बोलेगा बहन जी अभी खोल लिया है वापर लो, नेक्स्ट टाइम मत लेना। बट यहाँ पर वेस्टिज कंपनी कहती है कि अगर आपने सामान लिया है और आप अगर वो सामान से सेटिस्फाइड नहीं हो, भले आपने यूज़ किया हुआ है, बट विद इन 30 डेज विथ प्रूफ, मतलब आपका जो परचेस का इनवॉइस रहता है वो सारा अगर आप रिटर्न करते हो, तो आपकी चॉइस रहती है कि आपको सामान का रिफंड चाहिए या फिर वो सामान का रिप्लेसमेंट चाहिए, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। तो मतलब ये भी एक यूनिक पॉइंट है कि मतलब वेस्टिज के प्रोडक्ट्स कितनी अच्छी गुणवत्ता के हैं कि ये भी वो उन्होंने बेनिफिट्स दिया है। तो अगर बात करें ओवरऑल बेनिफिट्स की, तो देखो मैंने पूरी जब स्लाइड बताई उसमें मिनिमम और मैक्सिमम बताया था, तो अगर मिनिमम से मिनिमम भी देख लो तो 42% का बेनिफिट होता है, और अगर मैक्सिमम की बात करो तो 62%। दोस्तों ये तो एक सिर्फ शॉप चेंज करने से मैंने आपको आपके खुद के बेनिफिट्स बताए, हालांकि अगर पूरा बिजनेस प्लान देखो तो इसके अलावा बहुत सारे इनकम है इसके अंदर, डायरेक्टर बोनस हो गया, कार फंड हो गया, ट्रैवल फंड हो गया, हाउस फंड हो गया, ऐसे बहुत सारे फंड्स मिलते हैं। बट मान लीजिए आपने नेटवर्क नहीं बनाया है और सिर्फ एक आपने खुद के लिए सिर्फ शॉप चेंज की है, तो भी ये आपको आज़ादी मिल जाएगी शॉपिंग करने की, और सबसे मेन बात हम आत्मनिर्भर भारत की और भी एक कदम बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि वेस्टिज इंडियन कंपनी है, इसके सारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग का होते हैं वो भारत में होते हैं, और हालांकि भारतीय कंपनी होने के बाद भी उन्होंने वर्ल्ड वाइड भी अपना बिजनेस फैलाया हुआ है, बट कंपनी इंडियन है, तो हमें ये भी एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हम आत्मनिर्भर भारत में हमारी भी कुछ हिस्सेदारी दे रहे हैं। और दोस्तों मैं तो बस एक ही कहूँगा कि ऐसी शॉपिंग की आज़ादी और कहाँ मिलेगी, मतलब आम के आम गुटलियों के दाम, शॉपिंग भी कर रहे हो इनकम भी हो रही है। तो जरा भी देरी ना करते हुए जिन्होंने भी ये वीडियो आपको शेयर किया है तुरंत उनका संपर्क करिए और नेक्स्ट स्टेप पूछिए कि आपको कैसे वेस्टिज में जुड़ना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।